टू द चैनल। सो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से केरला के लिए और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:20 और रूट है 596 किलोमीटर्स का। तो ऑल सेट विद द बैग एंड बैगेज, तो चलो मिलते हैं रास्ते पे। अब शुरू कर चुके हैं अपना रूट और टाइम हो रहा है 7:40 और एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच है सुबह 7 बजे तक का, 7 से 8 बजे के आसपास। सो लेट्स कीप कनेक्टिंग। अभी बहुत कुछ है, मुझे 10 बजे से पहले चेन्नई को क्रॉस करके हाईवे पे जाना पड़ेगा सो दैट जो कर्फ्यू के रूल्स अभी हैं फ्रॉम 10 to 5 राइट, तो आई हैव टू बी आउट। भाई जबरदस्त भीड़ है यार, कल से पोंगल शुरू है एंड ये 4-5 दिन तक का फेस्टिवल रहता है, देखते हैं यार। और फ्लेवर, वन मोर फ्लेवर यू हैव, सिंगल गिव मी वन मोर, थैंक यू। तो ग्रैब कर लिया गेटोरेड, क्या लेना था यार, एक छोटा टूथपेस्ट भूल गया था यार टूथपेस्ट लेने के लिए, तो यार ये ले लेते हैं, इसके बिना दिक्कत हो रही है। ये आ चुका है पानी का और अपन लगे हैं बिलिंग काउंटर पे, थैंक यू। तो अपन आ चुके हैं बिलिंग काउंटर पे और अब भागते हैं यहाँ से फटाफट फ्यूल स्टेशन की तरफ। टाइम अपडेट इज 8:30 और आज हमने लिया डिफरेंट रूट। अरे टायर में से कैसी आवाज़ आ रही है यार, देखते हैं अभी फ्यूलिंग कराएंगे। ये है OMR रोड, सो ओल्ड महाबलीपुरम रोड कहते हैं इसको। ये पैरेलल चलती है ECR रोड से, जो अगर सो ईस्ट कोस्ट रोड है वो, तो बेसिकली समंदर यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, मैक्सिमम 3 to 4 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ से फिलिंग करा लेते हैं सो दैट अब हम आगे रुकेंगे नहीं। यस, सो टैंक करा रहे हैं अब यहाँ पे फुल, करते हैं कुछ सेटिंग यार, फटाफट गाड़ी की करनी है सफाई, यहीं पे फटाफट सफाई शुरू कर देते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने ट्रिप पे आगे। टाइम हो रहा है 9:34, मुझे पता नहीं है कि मैं चेन्नई से बाहर निकला हूँ कि नहीं, बट मुझे चेन्नई से बाहर होना है 10 से पहले हाईवे पे, फिर देखेंगे यार क्या होता है। ई पास है, कोविड वैक्सीनेशन दोनों डोजेज हैं, तो अगर जाने देते हैं क्या करते हैं रोकते हैं, तो वहीं गाड़ी लगा के सोना पड़ेगा सुबह 5 बजे तक। हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, अभी तक तो कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है और अभी किलोमीटर बचा है 480। किलोमीटर अभी और बाकी है, टाइम हो रहा है 4:30 का, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से कोई ब्रेक नहीं लिया था, तो सोचा अब यहाँ पे चाय पीते हैं। क्या मस्त जगह है यार, लाइट्स देखो, वो देखो भाई सर, ये सर वंस मोर सुपर सुपर थैंक यू थैंक यू।
मॉर्निंग भाई, पूरी रात निकल गई चलते चलते चेन्नई से, और 130 किलोमीटर और बाकी है। और अब देखो मेरे पीछे का ये नज़ारा है यार, ये तो अभी शुरुआत है शुरुआत। इतना मस्त है यार पीछे, वो देखो सीनिक है भाई, सीनिक पूरा सीनिक। समझ नहीं आ रहा है किधर रोक के कितने शॉट लेने हैं, मतलब यहाँ पे तो काफी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा बीइंग अ फोटोग्राफर। अमेजिंग अमेजिंग, ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग है। जितनी मेहनत हुई है ना पूरी रात ड्राइव करके और गाड़ी चलाने में, मतलब अभी तो शुरुआत हुई है और रुक ही गया हूँ यार, अभी तो नजारे बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड। ये गया वो राइट कट जो हम गए थे कोडी कनाल के लिए, और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा जो पड़ेगा एग्जैक्टली 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर यहाँ से। यार रोड पे बादल, क्या अमेजिंग व्यू है यार, अभी तो आप कहीं पहुंचे भी नहीं हो। रोका था अभी बैरियर पे केरला के, और छोड़ दिया यार, अभी तो ऐसा कुछ उन्होंने पूछा उछा नहीं, जस्ट जनरल क्वेश्चन था, ना ही मेरा ई पास देखा ना कुछ, बट आई थिंक चीजें अभी ठीक हैं। चलो यार कंटिन्यू करते हैं, और अभी 41 किलोमीटर और बाकी है, तो करते हैं फिर कनेक्ट। क्या मजा आ रहा है इस केरला तो इस वक्त, बिकॉज ऑफ दिस मेंटेनेंस। वैसे तो गवर्नमेंट लगता है पूरा का पूरा टूरिस्ट को बुलाने वाली है अच्छे से, बहुत अमेजिंग रोड्स कर रहे हैं यार ये लोग, एंड बाइकर्स देखो कितने सारे। आधा फीलिंग तो ऐसा आ रहा है जैसे लद्दाख में चल रहे हैं। गाड़ी हो गई है चलते चलते बंद, अभी ब्रेक लिया था स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बेसिकली बैटरी से कोई पावर ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, गर्म तो ही नहीं है, क्या करें क्या करें, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं जुगाड़। अरे भैया रे तुम ढीले, इतनी खुशी की बोनट खुला छोड़ के गाड़ी में बैठने चला गया था। हम आ चुके हैं सेंटर ऑफ मुन्नार। यस, अब मैं किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं, यही है ना, हाँ यही रास्ता है, ये मुन्नार का सेंटर था पीछे। अब अपन को लेफ्ट जाना है यहाँ से। अच्छा थेकड़ी साम सीधा है, बोटिंग भी सीधा है यहाँ पे। वाह यार मार्केट तो अच्छी है, शाम को आते
मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छे से पूरी मार्केट घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। मार्केट अच्छी है यार। सो मैं हूँ अभी मुनार्की मार्केट में। सुबह हम यहाँ आए थे और आज पूरा दिन रेस्ट किया है और अब मैं निकला हूँ कि देखते हैं मार्केट में क्या क्या है। और मुझे यहाँ से डिनर लेना है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है। मार्केट भी दिखाता हूँ और अपना खाने का भी देखते हैं अरेंजमेंट क्या है और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ये है वो चर्च जैसा कि आप देख रहे हो सेंटर में। मैंने अभी यहाँ पे इसी के आगे खड़े होकर आपसे बात की थी। तो दिस इज जस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस। और यहाँ से एंट्री है मुनार की, यहाँ से एंट्री होती है। तो अब चलते हैं एंट्री से वापस मार्केट की तरफ। सी हाउ द केरला पराठा इज डन। ये बन रहा है यहाँ पे एक केरला पराठा और वहाँ रखे हैं वो बने हुए पराठे। चलो और एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी कुछ है मार्केट में अभी एक्सप्लोर करने के लिए। ये छोटी मोटी स्टॉल्स बहुत सारी है यहाँ पे, आप देख रहे हो यार कितनी भीड़ लगी हुई है। तो ये देख रहे हो आप एर्नाकुलम, थर्टी अडिमाला, देवीकुलम, सबरीमाला। तो ये सारी घूमने की जगहें हैं जो यहाँ के नियर बाय हैं। मैंने बस ये साइन बोर्ड दिखा दिया फॉर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से ये हैं और कुछ पॉइंट्स जो आप घूमने जा सकते हैं सेंटर ऑफ मुनार से। और चॉकलेट एंड स्पाइसेस की काफ़ी वैरायटीज होती हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी वैरायटी ऑफ कैंडीज, चॉकलेट, स्पाइसेस, टी। और अगर आप यहाँ देखोगे तो दीज आर चॉकलेट्स या ये कैंडी जरूर खरीदना कभी यहाँ आते तो बड़ी मज़ेदार कैंडी होती है। ये इज रोस्टेड आलमंड, दिस इज रोस्टेड आलमंड एंड चॉकलेट, होम मेड चॉकलेट। तो टेस्ट करते हैं अभी, बताते हैं कैसा है। यार ये होममेड वाला बहुत अमेजिंग है। रोस्टेड मींस रोस्टेड, जब आप खाओगे रोस्टेड का यू विल गेट द यू नो वो टेस्ट आपको रोस्टेड का आएगा। एंड चॉकलेट इज टू स्मूथ, बिल्कुल भी हैवी चॉकलेट नहीं है, इट्स अ वेरी लाइट चॉकलेट, अमेजिंग है यार। तो यहाँ आओ तो प्लीज़ मुनार में पद्मन का ये चॉकलेट ट्राई करो। आई शो यू, दिस इज फ्रूट, ये सारा होम मेड है। दिस इज फ्रूट एंड नट, दिस इज फ्रूट एंड नट। या तो ये है फ्रूट एंड नट, तो ये भी ट्राई करते हैं। मिल्क चॉकलेट है, जैसे अपनी मिल्की बार आती थी ना वैसे। बट चॉकलेट का बेस्ट पार्ट क्या है ना, होममेड का चॉकलेट बहुत लाइट है एंड फ्रूट एंड नट है। तो मुझे टेस्ट होता है ना सारे ड्राई फ्रूट्स का एक, तो वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। सो दिस इज मैंगो फ्लेवर। ये जो इतने सारे टेस्ट आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है अब मैं कंफ्यूज होने वाला हूँ। मैंगो फ्लेवर ट्राई करते हैं। भाई मैंगो का पूरा फील आएगा, एवरी बिट ऑफ इट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, यू विल गेट एवरी बिट ऑफ मैंगो। सो आई थिंक वेल रिकमेंडेड, प्लीज कम। अगर आप आते हो यहाँ पे जरूर यहाँ से खरीदो, ट्राई करो, थोड़ा ही खरीदो बट एटलीस्ट ट्राई करो। अलग अलग 25 वैरायटी चॉकलेट्स है, ये मेरा घर में बनाते हैं। इस चॉकलेट खुला चॉकलेट पूरा मेरा घर में बनाते। लो प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा, ये दूसरा है, मेरा घर में नहीं, दूसरा है।
कॉमन मिलेगा, बॉक्स का प्रोडक्ट ऑल कॉमन मिलेगा, खुला चॉकलेट पूरा मेरा घर में बनाते। दिस दुकान का स्पाइसेस 8 आइटम मेरा फार्म का है, काली मिर्च, इलायची, लवंग, कोकम, कॉफी पाउडर, जायफल, जावित्री, चॉकलेट, इतने प्रोडक्ट मेरा है। क्वालिटी फर्स्ट टेस्ट करो आफ्टर ले लो। मेरा प्रोडक्ट ऑल पार्सल मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया। ओह यस, ऑल ओवर इंडिया, वेरी गुड। मेरा कस्टमर्स ऑल स्टेट में, फर्स्ट टाइम इधर आए, आफ्टर पार्सल मिलेगा। ओके, दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमबी, चेन्नई, ऑल स्टेट में मेरा कस्टमर्स है। मेरा प्रोडक्ट्स क्वालिटी। सो इफ किसी को अगर नॉर्मल चॉकलेट ऑर्डर करना है, अगर वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, समबडी लाइक मी, अगर मुझे चॉकलेट ऑर्डर करना है आपसे, तो हाउ टू डू दैट? मेरा प्रोडक्ट 700 रुपीज से अबव प्रोडक्ट पार्सल मिलेगा। पार्सल मिलेगा ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। और आप डिलीवरी चार्जेस भी लेते हो? डिलीवरी चार्जेस आपका है, प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, प्रोडक्ट का प्राइस सेम है, डिलीवरी चार्जेस रहेगा, डिलीवरी चार्ज ओनली आपका है। लेट्स से अगर यहां से आपको पैकिंग चार्ज दूसरे नहीं, लेट्स से अगर आपको यहाँ से दिल्ली भेजना है, कुछ 1000 रुपीज का प्रोडक्ट, तो लगभग कितना डिलीवरी चार्ज लोगे आप? कितने केजी कैलकुलेट करते हैं आफ्टर? ओके, अंडरस्टूड। Good information. Yeah, thank you so much, sir. Thanks for your time. मेरा दुकान का नाम Google में सर्च करो, Patman Chocolate and Spices. मेरा प्रोडक्ट्स का ऑल लिस्ट मिलेगा। श्योर सर, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका शॉप का जो ऑनलाइन लिंक है, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये देखो यार, मैंने बोला था साउथ की बसेस बड़ी तड़कीली भड़कीली होती है, लाइट्स की कोई कमी नहीं होती। ये देखो, ये लाइन से होटल भरे ही पड़े हैं यार, और हर तरह के होटल्स हैं। मतलब इफ यू वांट टू गो इन अ लग्जरी एक्सपेंसिव वाले में जाना है, और कुछ या आपको बजट वाले चाहिए, तो सब यहीं पे ही है पास में, ऐसा नहीं है किसी के लिए बहुत दूर जाना है। तो अब चलते हैं, देखते हैं यार, अब कुछ डिनर के लिए शॉप्स क्लोज हो रही हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये है होटल एंड रेस्टोरेंट ईस्ट एंड, इट्स अ मल्टी क्यूजीन, और ये भाई साहब जिन्होंने मुझे रास्ते में पकड़ा और इन्होंने मुझसे पूछा, तो बहुत रेयर होता है ऐसा कि कोई आगे पूछे कि यार चैनल है ये है, तो इन्होंने सब्सक्राइब भी किया एंड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है। तो आप कुछ बता रहे थे कुछ स्पेशल इस होटल के बारे में। ये होटल मुन्नार टाउन में ना सबसे बढ़िया होटल है ये। okay. और जिसका माउंटेन व्यूज है, पीछे टी गार्डन व्यूज है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं, कैंप फायर होती है, पार्टी होती है, रिसोर्ट है। okay. गेम्स है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। मैं यहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट वर्क करता हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, ये भी हमारी दोस्ती है। वेरी गुड पर्सन यू आर, बट ये हिंदी भी बोलते हैं, पुणे से हैं वैसे। आपने ये भी बताया कि मेजरली जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो इस होटल में आके रुकते हैं मुन्नार में। राइट, मुन्नार में मोस्टली जब शूटिंग चलता है ना, मोस्टली क्रू मेंबर सब यही पे रहते हैं। अच्छा, और जो अभी चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग हुआ था, ओके, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे ही हुआ था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी वो गाना। अच्छा, यस यस, वो वहीं पे शूट हुआ था। ओके, तो उसी टाइम पे भी बहुत सारी टीम्स यहीं पे स्टे कर रही थी। ओके, बहुत सारे साउथ के स्टार भी स्टे करते हैं यहाँ पे। ओह वेरी नाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये 3-star होटल है बेसिकली, बट इट लुक्स वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक ओह वाओ यार, क्या एंबियंस है यार, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है यार। ये पहले पता होता तो आई वुड हैव बुक्ड। जैसे चैनल का नाम इम्पल्सिव है, तो प्लानिंग भी इम्पल्सिव होती है, बट थैंक यू सो मच। एक ये भी है रोकस रेस्टोरेंट एंड कैफे, तो इफ यू वांट टू हैव बेटर यू नो एनवायरनमेंट इनसाइड, अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए तो ये भी जगह है विच यू कैन प्रेफर कमिंग इन। डेकोरेशन काफी अच्छा किया हुआ है। तो यार काफी दिमाग लगाने के बाद फिर मैंने यही सोचा कि अपन ना डोसा इडली खाएंगे, ना चिकन तंदूरी मटन खाएंगे, अपन खाएंगे चाइनीज। तो फिर मैंने किसी से कंफर्म किया इस होटल मनारा से कि
चाइनीज रोकर्स का बेटर होगा इसका, तो वैसे उसने बोला कि दोनों का सही है बट आप इस पर ट्राई करना एक बार, तो चलो लेट्स गो लेट्स ट्राई। ये है होटल गुरु भवन, एक वो गुरु रेस्टोरेंट भी है सामने जो मैंने रोकर्स के सामने दिखाया था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ उसके जस्ट यू नो जस्ट 5 मीटर 10 मीटर पे, तो दिस इज भवन। चलो चलते हैं देखते हैं। चलो यार अपन ने अभी खाना ऑर्डर कर लिया है, सो अपन ने क्या एक चिकन फ्राइड चिकन एग फ्राइड राइस एंड चिकन चिली चिकन विद ग्रेवी। तो ये है वो रेस्टोरेंट 360 डिग्री, एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लिया है, अभी ऑलमोस्ट 9:30 PM हो गया है, तो ये टाइम हो चुका है अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे क्लोज होने का, तो लगभग 10 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो चलो अभी जल्दी से फूड पैक कराते हैं और फिर चलते हैं रूम पे और फिर कलेक्ट करते हैं। होटल पे आ चुके हैं यार, ये है अपना होटल। चलो यार आ गए रूम पे, चलते हैं अंदर। चिकन एग फ्राइड राइस एंड चिकन चिली। सो गाइस अब अपन रूम पे आ चुके हैं और अब दबा के खाना खाएंगे और सो जाऊंगा यार, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं। कल रात को 8 बजे के करीब निकला था घर से और यहाँ पे 12 बजे पहुंचा था और फिर 3-4 घंटे के लिए सोया और फिर अभी मार्केट कवर किया। तो जो लोग चैनल पे नए हैं या फिर जो लोग चैनल ऑलरेडी देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे हेल्प करेगा, इस चैनल को हेल्प करेगा, मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा टू मेक थिंग्स मोर बेटर और मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें ला सकूं। एंड मिलते हैं फिर कल और एक नए एपिसोड में नए व्लॉग के साथ, एक नई अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन पे अब हम यहाँ से जाएंगे। ये एक एक्सप्लोर्ड वन था मुन्नार, अब हम अनएक्सप्लोर्ड पे जाएंगे। टिल दैट टाइम सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।